हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और अब सिर्फ 4 वीक्स बचे हैं मिनी मिस्टर ओलंपिया में। नाउ व्हाट इज मिनी मिस्टर ओलंपिया गाइस? मिनी मिस्टर ओलंपिया है लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट, जहाँ पर सारे ही डिविजन क्रेजी स्टैक्ड होते जा रहे हैं। और एरिन भी इस वक्त 4 वीक्स आउट है इस तरह से, तो क्योंकि बींग अ चैंपियन एरिन एक नया ही स्टैंडर्ड रेस कर रहे हैं। पहले ना जरूरत होते हुए भी एरिन ने आर्नो क्लासिक में कम्पीट करा और वहाँ पर जीत कर एक बहुत बड़ा चेक तो ले ही लिया, साथ ही खा लिए क्वालिफिकेशन। और अब लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में भी वो कम्पीट करने वाले हैं। एंड आई डोंट नो मैन, कोई भी लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के लिए मेंस फिजिक डिविजन के लिए क्यों तैयारी करेगा, क्यों प्रेप करेगा? पूरा एक प्रेप का खर्चा, पूरा एक फ्लाइट का खर्चा, होटल के एक्सपेंसेस, और किस लिए? सेकंड प्लेस के लिए, क्योंकि एरिन को बीट करने वाला तो अभी कोई है नहीं। एक इस तरह के डोमिनेटिंग चैंपियन बन गए हैं एरिन बैंक्स। सो गाइज, लाइक इट और नॉट, बट दिस इज द मेंस फिजिक स्टैंडर्ड राइट नाउ। और 2-3 बहुत अच्छे आइडियाज मुझे आए हैं इस टॉपिक को लेके, मैं जल्दी ही वीडियोस बनाता हूं उन पर भी। बट एरिन बैंक्स अगर मैं होता, अगर मान ले ऐसा डोमिनेंट चैंपियन, तो बॉस मैं तो हर एक शो में कम्पीट करता और हर एक जगह से प्राइज मनी तो लेता ही, साथ ही किसी को भी क्वालिफाई भी नहीं होने देता। और मिस्टर ओलंपिया में होते सिर्फ टॉप 5 या फिर टॉप 3 लास्ट ईयर के, जिनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाती। क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, इस फिजिक को बीट होता हुआ तो मैं नहीं देखता हूँ इन नियर फ्यूचर। एरिन जिस शो में भी जाएंगे, ही इज गोइंग टू कम आउट एज अ विनर। नाउ निक वॉकर, द इनसेनली डेडिकेटेड एंड एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसका फोकस अनमैच्ड है, इमूवेबल है, एंड मोर देन एनीथिंग गाइस, इट्स अ माइंडसेट जिसने सबको अपना फैन बना दिया है। और निक कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। निक ने बताया कि लास्ट ऑफ सीजन उनका काफी शिटी रहा था, उसके बाद भी ही इंप्रूव्ड हिज प्लेसिंग एंड केम एट थर्ड। उससे पहले भी लोगों ने इन्हें काफी क्रिटिसाइज करा था एंड वहां ही केम एट फिफ्थ। और इस साल ये इनका साल है, हर एक चीज ये ऑन पॉइंट कर रहे हैं और किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए अप्रिशिएट कर रहे हैं हर एक कंपेटिटर के एफर्ट्स को। बट साथ ही ये भी बता रहे हैं कि मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक दो टोटली डिफरेंट गेम्स हैं। नवंबर में इट्स हिज टाइटल एंड ही इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। सो नाउ लिसन टू दिस ग्रेटनेस। एवरीवन हु वांट्स टू काउंट मी आउट एंड से आई एम नॉट एज फोकस्ड एज आई यू नो नॉर्मली एम लास्ट ईयर विद दिस डिफरेंट माइंडसेट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट यू ऑल गोइंग टू सी कम इन नवंबर यू नो आई थिंक आई एम मोर फोकस्ड देन आई हैव एवर बीन आई एम मोर इन ट्यून विद एवरीथिंग देन आई हैव एवर बीन एंड आई हैव मेड सम ड्रास्टिक चेंजेस एंड आई डोंट थिंक एनीवन इज गोना सरपास मी दिस ईयर यू नो एवरीवन You know, things because I lost the Arnold or I did this, I did that. Listen, I was third place at Olympia. Third place at Olympia. And Olympia's a different ball game. And I'm hungrier than ever. You know, I had a shitty off season last year and improved my spot with that shitty off season by 2 places. Short off season this year, but probably one of my best. I have no doubt, no reason to not improve again and keep improving. You know, and this isn't to discredit anyone because, you know, I see all the work everyone's putting in, but this is my time. This is my show, and I will be the last one standing. I will be Mr. Olympia, and no one's going to take that from me. I know exactly what I'm doing, and this is my time. अब मैन गूजबम्स ऑल द वे, जिस फोकस से, जिस सेल्फ बिलीफ से निक बात करते हैं। और मेरे हिसाब से गाइज, इट्स ओके, इट्स नॉट एज मच अबाउट विनिंग एज इट इज अबाउट इम्प्रूविंग, हैविंग द माइंडसेट। और इन दोनों ही चीजों में निक इज ऑन वेरी टॉप, अ चैंपियंस माइंडसेट एंड एक फायर टू बी द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैमसन डॉडा की, जो एक काफी ही ज्यादा स्कैरी सी और अनरियल सी फिजिक कैरी कर रहे हैं इस वक्त, और अभी भी 300 पाउंड्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और सैमसन जब भी कोई अपडेट पोस्ट करते हैं, इनकी वॉल पर नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया, नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया, ऐसे कमेंट्स अनगिनत भर जाते हैं। एंड ही डज लुक लाइक दैट, एक पिक्चर परफेक्ट पोटेंशियल मिस्टर ओलंपिया, बट अभी के नहीं गाइस, फ्यूचर के। और श्री वाइनबर्गर, उन्होंने तो ये तक कह दिया था रिसेंटली कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे अगर सैमसन डॉडा टॉप 3 में नहीं आते हैं इस साल। सैमसन की स्क्रीन क्वालिटी अभी भी काफी थिक साइड पर है, उस लेवल की थिन स्किन सैमसन की अभी तक नहीं हुई है। लेकिन गाइस, कंडीशन में सैमसन डायरेक्ट का और निक का सामना नहीं कर पाएंगे। आई रियली डोंट बिलीव कि सैमसन की कंडीशन अभी इस पॉइंट पर या मिस्टर ओलंपिया में भी ऐसी होगी जो उन्हें डायरेक्ट और निक से ऊपर प्लेस कर दें। सैमसन का वर्जन 2.0, उसने तो निक को बीट कर दिया था आर्नो क्लासिक में। अब चाहे उसके पीछे कितनी भी कंट्रोवर्सी हो और कुछ भी लोगों की ओपिनियन रहे, बट हो तो गया था ऐसा। सो सैमसन वर्जन 3.0 क्या डायरेक्ट को बीट कर सकता है? वेल, बिना इस फ्रीकिश कंडीशन के, बिना इस बैक के, आई डोंट बिलीव कि सैमसन अभी एक चैंपियन मटेरियल है। मे बी इन फ्यूचर, बट राइट नाउ आई डोंट सी हिम लाइक दैट। अब बात करते हैं एडवन पाल्मीरा की, जिन्होंने लास्ट कंपीट करा था आर्नो क्लासिक में। उसके बाद एडवन पाल्मीरा कंपीट कर रहे हैं दिस वीकेंड, नहीं इटली प्रो में नहीं, बट नॉर्थन क्लासिक प्रो, इस नाम से एक शो हो रहा है इसी वीकेंड, जहां पर एडवन इज गोइंग टू गेट ऑन द स्टेज। और इस लेटेस्ट अपडेट को देखोगे तो एडवन इज लुकिंग रियली सिक, आई मीन इस तरह की वेस्कुलरिटी, इस तरह से वेनी। तो हमने लास्ट मैन फिजिक एथलीट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जेरेमी को देखा था 2017 में उनके एक वर्कआउट वीडियो में, और एडवन इनसेन लग रहे हैं इस ड्राई फिजिक के साथ, इस वेस्कुलरिटी को कैरी करते हुए। और एडवन की अगर आप लाइफ जर्नी को देखोगे तो गाइज, ये भी रमांडिनो की तरह काफी ज्यादा स्ट्रगल करके ही यहां तक आए हैं, एक बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई मीन किसी दिन मैं डिटेल्स में कवर करूंगा इनकी लाइफ को, बट एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग स्टोरी है एडवन पाल्मीरा की भी, कि कैसे उन्होंने ऑड्स को डिफाई करा, कैसे वो वर्कआउट करा करते थे, कैसे ही डिड नॉट स्टॉप एंड फिर मिस्टर ओलंपिया में फर्स्ट कॉल आउट में आ जाना। बट रिसेंटली कुछ मंथ्स एडवन के लिए उतने अच्छे नहीं गए हैं, इसीलिए एडवन टोटली डिसअपीयर्ड। और इंप्रूवमेंट्स करके ग्रेनी फिजिक के साथ एक कमबैक हमें दिखने वाला है एडवन का। सो ही इज वन एथलीट टू कीप एन आई ऑन। एंड वेट अ मिनट गाइस, अभी न्यूज आई है कि एडवन ने वो शो जीत कर, यानी कि नॉर्थन क्लासिक प्रो नाम से जो शो था वो जीत कर क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। डैम मैन, दैट्स सो गुड। नेक्स्ट अपडेट है इमरान खान की, जो अब सिर्फ और सिर्फ
टू वीक्स आउट हैं दुबई प्रो शो से एंड टू वीक्स आउट के पॉइंट पर इमरान खान इज लुकिंग रियली गुड। आई मीन फिजिक में जो इम्प्रूवमेंट्स कर चुके हैं, जो मसल मास और राउंडनेस ये ऐड कर चुके हैं, उसकी तो हम पहले ही कई सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं। लुक एट दैट, बैक पर भी कैसे बम्प से उठ रहे हैं, काफी डेंस मसल इनके लग रहे हैं। एवरीवेयर ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव, वहां पर इमरान ने काफी सीरियस वे में वर्क पुट इन करा है एंड एज अ रिजल्ट ये काफी इंप्रेसिव एंड कम्पेटिटिव पैकेज लेकर आपके सामने होंगे। बट इन इम्प्रूवमेंट्स के अलावा भी इमरान की कंडीशनिंग इस पॉइंट पर टोटली ऑन लग रही है। ही इज इन ग्रेट शेप, कंडीशनिंग पूरी नेल्ड है और बॉडी काफी ड्राई लग रही है और फ्लैट साइड पर भी। एंड इवन देन गाइस कैसी जबरदस्त सेपरेशन निकल कर आ रही है। अब कार्ब लोडिंग के बाद इमरान इज गोइंग टू लुक इनक्रेडिबल जब ये मसल्स पॉप आउट करेंगे विद ऑल द ग्लाइकोजन एंड आई रियली फील कि इमरान इस शो से इस पैकेज के साथ इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। वेल नेक्स्ट अपडेट है दुबई प्रो में कम्पीट कर रहे ब्रांच चैन की, जिनके बारे में पहले तो मैं बोलता कि ये दुबई प्रो शो जीतकर क्वालिफाई कर जाएंगे मिस्टर ओलंपिक के लिए क्लासिक डिवीजन से एंड इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग क्योंकि ब्रांच ने जो इम्प्रूवमेंट्स करी हैं वो क्लियरली विजिबल भी हैं। ब्रांच की कॉर्ड्स, ब्रांच के प्रोपोर्शंस, एवरीथिंग इज नाउ मोर इम्प्रूव्ड, मोर रिफाइंड। आई मीन लुक एट हिम, द फाइबर्स ऑन हिज फिजिक, इनका मोस्ट मस्कुलर एंड ये अपर बॉडी भी एक्सट्रीमली क्लासिक एंड डाइस लग रही है इस वैक्यूम के साथ। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ब्रांच का कॉम्पिटिशन है भी तो इतने टॉप लेवल एथलीट्स के साथ और इसीलिए ब्रांच कैन स्टिल फाइट रियली हार्ड। बट ब्रांच जीत जाएंगे ये कहना तो अब पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि अब तो ब्रांच चैन के दुबई प्रो शो से मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने का जो ड्रीम था वो एक काफी ड्रीम जैसा ही हो गया है क्योंकि वेस्ली, टेरेंस और माइक सोमरफील्ड तीनों ही ब्रांच चैन से ऊपर के प्लेसर हैं मिस्टर ओलंपिया में रीसेंट टाइम्स में देखा जाए तो। और इस चीज के रहते आई रियली डोंट सी एनी होप फॉर ब्रांच इन दुबई प्रो और इसके बाद के जितने भी शोज हैं वो भी ऐसे ही काफी भरे पड़े रहेंगे कंपेटिटर्स से। लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में कम्पीट कर सकते थे बट टेरेंस तो वहां पर भी होंगे और साथ ही लोगन फ्रैंकलिन भी। और फाइनली गाइस लोगों को काफी वेट कराने के बाद हॉर्स एमडी ने अनाउंस कर ही दिया अपना नेक्स्ट शो। सो हॉर्स एमडी हमें अपने ओपन डिवीजन का डेब्यू करते हुए दिखेंगे रोमानिया फेस्ट प्रो से जिसमें है अभी 9 वीक्स। सो ये शो गाइस 2024 के मिस्टर ओलंपिया के लिए सबसे पहला प्रो शो होगा, सबसे पहला क्वालिफायर होगा जो कि मिस्टर ओलंपिया के जस्ट 1 वीक बाद ही होगा। और ये चीज आई डोंट नो हॉर्स एमडी के लिए कैसी जाएगी क्योंकि कई सारे एथलीट्स जो टॉप 5 क्रैक नहीं कर पाएंगे मिस्टर ओलंपिया में और ऑलरेडी रेडी होंगे शो के लिए वो इस शो में कूद सकते हैं क्योंकि वो इस शो को एक क्लोजेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे टू गेट द अर्ली क्वालिफिकेशन। तो काफी कंपेटिटिव शो हो सकता है वो भी। और हॉर्स एमडी ने ये भी बताया कि उनका प्लान है अर्ली क्वालिफिकेशन लेकर एक बार फिर से एक ऑफ सीजन लेने का क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट इस पास्ट ऑफ सीजन में हॉर्स एमडी ने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस तो कर ली है। ही इज लुकिंग लाइक अ बीस्ट, ही इज टॉल एज वेल और शेप इनका अभी भी अच्छा सैक्रिफाइस नहीं है। सो एक और ऑफ सीजन लेकर हॉर्स एमडी इससे भी बिगर होकर डेफिनेटली एक काफी कंपेटिटिव पैकेज प्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। बट डेफिनेटली गाइस प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट्स आपकी खुद बोलती है एंड ऐसा ही कुछ हॉर्स एमडी के इस न्यू वर्जन के साथ भी हो रहा है। और नेक्स्ट अपडेट है टोनियो बर्टन की जो पूरी तरह से फटने को तैयार है। ऐसे फुलर ये लग रहे हैं इवन ऑन प्रेप गाइस, जब आप कार्ब्स कम कर देते हो, जब आपकी फिजिक डिप्लीट होने लग जाती है, कार्डियो इंक्रीज कर देते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग लेस एंड लेस एनर्जी एंड वाटर रिटेंशन, उस टाइम पर भी टोनियो का गोल है इस बार किसी भी तरह से टॉप 10 क्रैक कर लेना और इसी तरह से वो ट्रेन भी कर रहे हैं। टोनियो की फिजिक एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट होल्ड करती है, बस साइज की थोड़ी कमी है टोनियो के पास भी। और टोनियो यहां कैप्शन में बोल भी रहे हैं कि मैं साइलेंटली वर्क पुट इन कर रहा हूं बट मेरी प्रोग्रेस, मेरे रिजल्ट साइलेंट नहीं होंगे, वो चीज आपको पता लग जाएगी। सो लेट्स सी गाइस कि टोनियो इस बार टॉप 10 क्रैक कर पाते हैं। वेल चांसेस तो मुझे काफी कम लग रहे हैं और इसमें टोनियो की ऐसी कोई गलती है भी नहीं। इट्स जस्ट इस साल ये लाइनअप ही और भी ज्यादा कंपेटिटिव हमें दिखने वाला है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।